ये देख लीजिए इस तरह से जैसे सिमुलेट हो रहा है, ठीक है। सिमुलेट होने के बाद आपको इस किस तरह से इसका रेंडरिंग कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब देख सकते हैं, ये देख लीजिए 100 फ्रेम तक ये ऐसे सिमुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ये देख लीजिए इस तरह से, जैसे ये सिमुलेट कंप्लीट होने के बाद 100 फ्रेम्स तक ये चला गया है। उसके बाद आपको क्या करना है रेंडरिंग के लिए, ये देख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रेंडर ऑप्शन दिख रहा है इस तरह पे ऊपर, वहाँ पे क्लिक करना है रेंडरिंग पे। क्लिक करने के बाद आपको रेंडर सेटअप में जाना है। ये रहा रेंडर सेटअप, आप देख सकते हैं इस तरह से, ये रहा रेंडर सेटअप। रेंडर सेटअप में क्लिक करने के बाद इस तरह से पूरा आपको जो व्यू ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह का व्यू ओपन हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेंज के अंदर जाना है, ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये एक्टिव रेंज सिलेक्ट करना है, एक्टिव सेगमेंट यानी कि 1 से 100 हमने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे जाना है, कस्टम साइज वगैरह यहाँ पे अपनी साइज सेट सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम साइज की जगह आपको है HD कर लेना, यानी कि HD में ये वीडियो बनेगा, ठीक है, रेंडरिंग वाला। और वापस नीचे स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद आप देख लीजिए फाइल कहाँ पे सेव करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल पे क्लिक कीजिए, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको ये पूरा खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है तो ये डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए। ये डेस्कटॉप पे इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये डोर का कर्टेन है तो कर्टेन हम लिख देते हैं, सी लिख देते हैं, ठीक है, ओनली। और ये ऑल फॉर्मेट में ऑल ही रख, ऑल में आपको AVI कर देना है, AVI, और उसके बाद आपको सेव कर देना है, ठीक है। तो ये इस जगह पे और ओके कर देना है, इस जगह पे ये पूरा फाइल आपको सेव होने वाला है, ये होगा है। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, वापस ऊपर स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ पे रेंडर ऑप्शन लिखा है इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये रेंडर एनिमेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा स्टार्ट हो जाएगा और इसमें आपकी पूरी AVI फाइल बन जाएगी, ठीक है। वीडियो फुटेज में आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप ओपन भी कर सकते हो, किसी को भी सेंड भी कर सकते हो, अपने कस्टमर वगैरह को। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए हमारा पूरा ये फाइल बन रहा है। ये आपके लैपटॉप पर डिपेंड करेगा कितना देर लग रहा है, ये अभी छोटा रेंडरिंग है इसलिए जल्दी हो जाता है, बाकी पूरे बंगले का बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये सिर्फ कर्टेन इसलिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये देख लीजिए ये 100 फ्रेम तक जाने के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा रेंडरिंग। उसके बाद वीडियो कहाँ से होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं कहाँ पे वीडियो सेव हो रहा है और किस तरह से ये ओपन होगा दिखेगा। बने रहे हमारे वीडियो पे, ये बन चुका है, ये वीडियो बन चुका है। अब वहाँ पे वीडियो कहाँ पे होगा इसको मिनिमाइज करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, इस पर क्लिक करेंगे मिनिमाइज हो जाएगा और ये सॉफ्टवेयर भी हमारा मिनिमाइज कर देंगे, मिनिमाइज कर दिया। ये रहा पूरा हमारा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर ये देख लीजिए ये रहा सी फोल्डर का, ठीक है। इसको हम ओपन करेंगे और मैं आपको दिखा दूंगा रेंडरिंग किस तरह से ये पूरा दिख रहा है। ये देख लीजिए वीडियो ओपन हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनता है, आप देख सकते हैं। ये रहा देख लीजिए कितना ज़बरदस्त वीडियो है। ये अभी कितना, सिर्फ 3 सेकंड का बना है। इसका जो आप रेंज है वो भी बढ़ा सकते हैं, ये 3 सेकंड है ना, इसका रेंज आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ाने के बाद रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लगता है। ये देख लीजिए, ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट भी कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो ला सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।